अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे पके हुई लाल मिर्ची का अचार। आइए देखते हैं पकी हुई लाल मिर्ची का अचार बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और कैसे बनाते हैं, देखते हैं। के लिए हमें चाहिए पकी हुई लाल मिर्ची, देखिए 25 से 30 पकी हुई लाल मिर्ची है, और हमने लिया है 1 टीस्पून साबित मेथी के दाने, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, छोटे नींबू की होती इमली, और हमने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। बगार के लिए हमने लिया है 10 से 12 पत्ते हैं गरिया पाक के, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखे लाल मिर्चे से हमने आधी आधी तोड़ ली है, और हमने लिया है 4 लहसुन की कलियां। देखिए अब हम एक बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे मेथी के दाने, जीरा, राई। अब हम इसे भून लेंगे। देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है भूनने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, जीरा और मेथी के दाने। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए, हाई फ्लेम पे 2 मिनट भून लीजिए। देखिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए भुनलियों से मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सर जार में ऐड करेंगे और ग्राइंड करेंगे। देखिए पीस लिए, पाउडर बना लिया। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसे साइड पर रख लेंगे। देखिए अब हम वही मिक्सर जार लेंगे, उसमें मिर्ची कट कर लेंगे। लाल मिर्ची देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए, आप खैंची की मदद से कट करिए, हाथ नहीं जलते। देखिए इस तरीके से कट कर कर डालिए। अब हम सारी मिर्ची इस तरीके से कट कर कर डाल लेंगे। देखिए सारी मिर्ची कट कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियां, नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, इमली। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बन के रेडी है। अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए ग्राइंड कर लिए और एक बोल में निकाल लिए। अब हम इसे पकाड़ देंगे। देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, राई ऐड करेंगे, लहसुन की कलियां, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे करियापाक के पत्ते, सूखे लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सूखी लाल मिर्च का पेस्ट बना लिया है वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट भून लीजिए। देखिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट हो गए हैं, हमने पेस्ट मिर्ची का पेस्ट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे
सिम फ्लेम करेंगे और अब हम ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड कर लिया था पाउडर, अचार का पाउडर। 2 टीस्पून अचार का मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिम फ्लेम पे 1 मिनट मिक्स करते हुए भून लीजिए। देखिए सिम फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से भुने गया है मिर्ची के पेस्ट में। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। पके हुए लाल मिर्ची का अचार डिश आउट करने के लिए रेडी है। पके हुए लाल मिर्ची का अचार डिश आउट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप वाइट राइस के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसे आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे घी और वाइट राइस में खा के देखिए, खट्टी दाल के साथ भी खाइए। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।